हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका भाई एक नए साल पर नए व्लॉग के साथ में। और अभी हम यहाँ अपनी छत पे हैं। मौसम का हाल आप देख ही रहे हैं, पीछे शीत लहर आज से स्टार्ट हो गई है। अभी तक तो फोग था और भाई ठंड थी, लेकिन शीत लहर, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इधर से आ रही हैं। इधर हमारी तरफ पहाड़ पड़ते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश पड़ता है इधर और उत्तराखंड। तो भाई ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चलने लगी हैं। आज का तापमान जो है ना 9 डिग्री था यहाँ पे। तो भाई आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में आप सभी फले फूलें, आपको सब खुशियाँ मिलें, आपकी सभी मुरादें पूरी हों। तो भाई इससे अलग जितनी भी सारी शुभकामनाएं होती हैं वो सब आपके लिए सारी याद नहीं रहती मौके पे। कह दो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। ढेर सारी में सब आ जाती है, ढेर सारी में सब आ जाते हैं, जैसे ETC एटसेट्रा होता है ना, ऐसे ढेर सारी में सब आ जाती हैं। तो भाई अभी शाम को थोड़ी सी धूप निकली थी, हमने सोचा चलो छत पे चलें। रूम से बाहर निकल के देखा तो भाई देखो यहाँ पे धूप तो धूप, धूप की परछाई भी नहीं है कहीं दूर दूर तक। हवा चल रही है बस, और आसमानों में बादल है। ठंड का जो पीक है वो तो भाई आता ही है दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्ट में, तो भाई ठंड तो होगी ही, तो होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, तो नहीं गर्मी भी बहुत होती है। तो भाई शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। ये ठंडी खाने के लिए, ये ठंड में रहने के लिए गर्मियों में पैसे देने पड़ते हैं। ये सर्दी जो सर्दियों वाली होती है, ये ठंड फ्री में मिलती है, लेकिन ये फ्री वाली बर्दाश्त नहीं होती किसी से भी। चलो खैर भाई, एक कुल मिला के ये है कि मौज हो रही मौसम में तो एकदम, और शुभकामनाएं आपको देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए थे हम अपने छत पे सेकंड फ्लोर। तो जी हैप्पी न्यू ईयर 2024 में आपका सबका स्वागत है। क्या बोलूँ, ठंड में बोलने जा रहा नूरी मकड़ी सी में तो दुकट रही ठंड में, मुझे तो ठंड भी ढेर ही लगे। गाइज प्रोग्राम बना रखा इन्होंने घूमने का, मैं पूछ रही मगर बर्फ़ है वासी, कहने लगे हाँ बर्फ़ है तो ठंड भी होगी, मगर मेरे गोड्डे तो कुकर चला जाएगा। तो उन्होंने कह रहे पट्टी लागा दूमा तुझे गोड्डों की, यार पट्टी लगा ली गोड्डों पर। टूर प्लान कर रखा है, सब कुछ राजी खुशी रहा तो 3 तारीख में यहाँ से जाएंगे और हिमाचल प्रदेश का होगा वो। अभी बच्चे नीचे भाई सारे, अब बाहर निकलने से उन्हें रोक के हैं तो कंप्यूटर के चिपट जाएं। एक दो कंप्यूटर है हमारे काम करने के लिए, वे उन्हें हमें देने पड़े हैं, मगर भाई कहीं ना कहीं में इंगेज रखना पड़ेगा, बिस्तरों में तो बच्चे बैठ नहीं सकते। तो ये था सब कुछ अभी के मौसम का हाल और हमारे घर का हाल। और आज हमारे घर के 3 दिन के धुले कपड़े सूखेंगे। थोड़ी सी तो धूप लगी और जैसे सूर्य देवता अपने घर की ओर को निकल लिए, दिन छिपने से पहले निकल रहा है तो, और हवा चलने से भी बहुत सूख जाएंगे। ठंडे जरूर लगेंगे लेकिन पहनेंगे इन पर फिर निवास आ जा। गर्म कपड़े तो जल्दी सूख जाए, ये सूती कपड़े जो है ना नीचे पहनने वाले वे बड़ी मुश्किल सुखाने हो जाए। और भाई यहाँ ज़्यादा समय दिया नहीं जा सकता, चले नीचे बस धोकड़ी बन रही, धुड़ धुड़ी आ रही, हवा लग रही बहुत अच्छे वाली। तो भाई चलते हैं नीचे, बच्चों को देखते हैं, उनके झगड़े भी सुलझ जाने कई सारे हैं ना। आवाज लगा, वीडियो काट दिया आपने? और उसने वीडियो काट दी। हाँ। ये देखो थोड़ी सी देर में कितनी सारी कंप्लेंट्स आती हैं भाई यहाँ पे, और दो ये बैठे हैं इधर और तीसरा ये खड़ा हुआ ही देख रहा है भाई। इसे कोई सा मिला नहीं कंप्यूटर, इसलिए ये शिकायत करने चला गया, और यही शिकायत रहती है सबकी। यहीं पर रहो और शेयर करके देख लो, स्क्रीन शेयर कर लो भाई। पापा जी आप अंग्रेजी में कौन